क्या आपको भी सिनेमैटिक मोड यूज करना है अपने फोन के अंदर, पर ना ही आपके पास आईफोन है और ना ही आपके पास DSLR? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज से आपके सारे दुख दर्द पीड़ा खत्म। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहेंगे थैंक्स, लव यू, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग Vivo V27 के अंदर DSLR एंड आईफोन जैसी फोटोज को निकाल पाएंगे। यस, बिकॉज टुडे वी विल इंस्टॉल Gcam फॉर Vivo V27 और अब आप Vivo V27 के अंदर सिनेमैटिक मोड का भी यूज कर पाएंगे। चल झूठा सच्ची, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। अच्छा, एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ Gcam को इंस्टॉल करने के बाद यूज कर पाएंगे उसको, तो गलत है। पूरी वीडियो जरूर देखें बिकॉज इसमें कुछ सेटिंग्स बताई हैं जिसके बाद आप सिनेमैटिक मोड प्लस उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर पाएंगे। अच्छा, तो हमारा स्टेप वन है कि हम लोग अभी Gcam को डाउनलोड करेंगे। दोस्तों Gcam जो है आपके प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं होता, तो दोस्तों आपको जाना है एक लिंक पे जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिंड कमेंट में भी दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल प्रोसेस है, कुछ 300-400 MB की फाइल होगी, इसको जस्ट आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों एक बार डाउनलोड होने के बाद आपको इसको कर लेना है इंस्टॉल, और दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है अपने डाउनलोड सेक्शन में, और दोस्तों डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास एक पॉपअप आएगा विच विल से कि इसको इंस्टॉल करना है। दोस्तों इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, इट विल टेक सम टाइम। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर दें। दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि अब हमारा इंस्टॉल हो गया है, इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद काफी सारी परमिशंस आपको इसमें देनी है। दोस्तों सारी परमिशंस इसको आप अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है ये ढंग से वर्क ना करे। दोस्तों सारी परमिशंस देने के बाद अब हम लोग इसमें फोटो खींच के देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फोटो की क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, पर आप दुखी मत होइए, स्टेप 4 में मैं आपकी इसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव कराऊंगा। बट पहले चलते हैं दोस्तों स्टेप 3। एज आई प्रॉमिस्ड, इसके अंदर हम लोग सिनेमैटिक मोड को भी एनेबल करेंगे। दोस्तों आपको जाना है मोड सेटिंग्स के अंदर। दोस्तों उसके बाद जाना है आपको कॉन्फ़िगरेशंस में। दोस्तों कॉन्फ़िगरेशंस में जाने के बाद आपको जाना है इंटरफेसेस में। दोस्तों इंटरफेसेस में आपको सिलेक्ट कर लेना है Pixel 7 Pro। जी हाँ दोस्तों, Pixel 7 Pro, ब्रैकेट में चीता लिखा होगा। दोस्तों इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद दोस्तों यू विल सी कि आपके पास सिनेमैटिक मोड एनेबल हो गया है। समझ में आया? नहीं चढ़ा, समझाओ इसे। चलो चलते हैं दोस्तों स्टेप 4 पे। दोस्तों आखिरी जो स्टेप है वो बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए है, इसकी कुछ सेटिंग्स को चेंज करने के लिए है, ताकि आपके फोन के अंदर भी बेटर क्वालिटी की फोटोज खींच पाए। दोस्तों आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग्स में, और आपको ऊपर की साइड गूगल AWP को एनेबल कर देना है। दोस्तों दूसरा काम है हमारा HDR को एनेबल करना, और दोस्तों इसको HDR को एनेबल करने के बाद यू विल फाइंड कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ फोटोज है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों इसका मैं एक कंपैरिजन भी बनाऊंगा ताकि आप लोग देख पाए कि गूगल कैमरा वर्सेस वीवो का कैमरा कैसा वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप उस वीडियो को भी चाहेंगे, और अगर आप लोगों को भी कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इस टाइप की दोबारा से वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए शब खैर।